जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सक्सेस स्टोरी विद चौहान सर के इस एपिसोड में एक और सक्सेस स्टोरी को आज हम शूट करेंगे। आज हम बात करेंगे जमशेद आलम की, आज हम बात करेंगे उनके पूरे इस करियर की, किस तरीके से उन्होंने रिटर्न की परीक्षा के लिए जो है रिटर्न प्रिपरेशन के लिए वो यहाँ पर आए थे और किस तरीके से उन्होंने अपने एनडीए के एग्जाम्स को जो है क्लियर किया, किस तरीके से एनडीए के एसएसपी देने गए और आफ्टर दैट किस तरीके से उन्होंने टेक्निकल एंट्री स्कीम को के लिए जो है उन्होंने एसएसबी गए और वहां पर जाकर के रिकमेंड हुए, मेडिकल बोर्ड फिट हुए। तो इस पूरी जो एक जर्नी है, आज हम इस पूरी जर्नी की बात करेंगे, वन टू वन कन्वर्सेशन होगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये एक इससे होता क्या है, जब आपको हर एक छोटी चीजों के बारे में पता चलता है किस तरीके से कोई बच्चा सफल हुआ है, क्योंकि सफलता मिलती तो सबको अपने तरीके से है, लेकिन आप इन छोटे छोटे तरीकों से भी जो है आप अपने नए तरीके जो है इजाद करते हैं और उस वे पर चलते हुए, उस पाथ पर चलते हुए आपको जो है सफलता मिलती है। तो कंग्रेचुलेशन जमशेद फॉर फाइनल रिकमेंडेशन इन टेक्निकल एंट्री स्कीम। और जमशेद, जस्ट छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से है आप, ठीक है ना, स्कूलिंग कहाँ से हुई, दो चीजें मैंने बच्चों को बताया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जमशेद आलम, आई सर टोल्ड एंड आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ ओनली। आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम लखनऊ आल्सो। आई हैव कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज एंड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम राम लक्ष्मी मेमोरियल कॉलेज। अच्छा, राम लक्ष्मी मेमोरियल कॉलेज कहाँ पर है सर? इट इज इन चौक। इट इज इन चौक, अच्छा। तो बेसिकली पूरी स्कूलिंग आपकी लखनऊ से, किस बोर्ड से था सर? मेरा यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड से था। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम सर, इंग्लिश में, इंग्लिश में यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर हम तो यूपी बोर्ड से हैं, सर क्या हम एनडीए में सफल हो सकते हैं, क्या हम ऑफिसर बन सकते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में? तो ये उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि यस, आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, आप भी जो है सेना में जा सकते हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आप अपने रिस्पेक्टिव आर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी। क्या एनडीए को लेकर के, पहले हम एनडीए की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी क्या है एनडीए के लिए बच्चा जो है ज्यादा इंक्लाइन होता है, तो किस तरीके से आपने एनडीए की प्रिपरेशन करी थी और किस तरीके से आपका रिटर्न बन गया हुआ था? सर आफ्टर 12th लाइक आई टुक अ ड्रॉप एंड आई जस्ट टोटली फोकस्ड ऑन एनडीए, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बट फॉर इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट फेल्ड, सो आई रियलाइज्ड दैट आई शुड पिक अ कोचिंग। सो कोचिंग के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई करा लाइक पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में, मैंने गाइडेंस ली क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स के लिए मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होंगे, इसके बिना एनडीए का मैथ्स नहीं क्लियर होगा। तो अतुल सर जो है मैथ्स पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छे, उन्होंने हमें ट्रिक्स दी, गाइडेंस दिया, इसी वजह से मेरे मैथ्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। और मैथ्स के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और यहाँ पे जो आर एस अग्रवाल बुक है वो मोर देन इनफ है, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लगाए, मॉक पेपर्स दिए मैंने टेस्ट बुक ऐप पे, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही मेरा लाइक मैथ्स का एनडीए का रिटन पेपर ही कट ऑफ क्लियर हुआ। GTA, GAT. So in GAT, the English, my English was a little weak, but there the others like the other sir is there. So he told me, I gave him guidance. I am able to do well in the English as well. English में भी मेरा अच्छा score रहा था और GAT में English, science, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो इंग्लिश, साइंस और जियोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ पॉलिटी और हिस्ट्री भी, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं टोटली एनडीए में फोकस कर रहे हैं तो आप इसके साथ पॉलिटी और हिस्ट्री भी कर सकते हो। तो यही था मेरा और बाकी इन्हीं सब्जेक्ट पर मैंने ज़्यादातर फोकस करा और मेरा रिटर्न निकल गया था। हाउ मेनी यू हैव अटेम्प्टेड इन एनडीए एग्जाम इन मैथ्स एंड जीएटी क्वेश्चन? सर कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैथ्स में मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 58 मेरे सही थे और GAT में मैंने 94 के अराउंड अटेंड किए थे जिनमें से मेरे 84 सही थे, 84 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चा जिसने 60 क्वेश्चन अटेंड किए थे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत थे। एक्चुअली जो यूपीएससी का गेम है वो कहीं ना कहीं यही है कि आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ ज्यादा ना जाएं तो जो है आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पेपर 1 क्लियर नहीं होगा तब तक आप पेपर 2 क्लियर नहीं होते। दैट्स फैक्ट। अगेन पेपर 2 जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी वही चीज होती है, जनरल एबिलिटी टेस्ट में 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 150 और उसमें से 84 क्वेश्चन सही थे, 10 क्वेश्चन माइनस मार्क, दैट इट मींस कि आपके 3 नंबर नहीं रहे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस कैलकुलेशन के आधार पर अपना एनडीए एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम क्लियर करने में पाथफाइंडर का कितना योगदान था? सर पाथफाइंडर में लाइक बहुत ज्यादा योगदान था क्योंकि मैंने 6 महीने पूरा कोचिंग करी यहाँ पे और उससे पहले जब मैं लाइक नहीं क्लियर कर पाया था तो मेरा स्कोर काफी खराब था,
और मैथ्स में तो मेरा जैसे कि मैंने बताया कि काफी फायदा हुआ तो सर के टिप्स एंड ट्रिक्स से, और बाकी इंग्लिश में मेरा बहुत फायदा हुआ क्योंकि इंग्लिश मेरी काफी वीक थी, बीइंग फ्रॉम अ यूबी बोर्ड बैकग्राउंड मेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा फोकस्ड नहीं थी, सो यहाँ पे आके इंग्लिश के रूल्स और वो सब जब मैंने ग्रामर्स पढ़ी तो काफी इम्प्रूव हुआ, और साथ में जीएटी के हमारे जीके सर जो है उन्होंने काफी अच्छी हमें पढ़ाया, काफी अच्छा उनका सिलेबस था, बहुत प्रिसाइज कोर्स है यहाँ पे, जितना पढ़ाएंगे आपका उसमें आपका हो जाएगा पहला, मतलब दैट इज मोर देन इनफ, और साइंस तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था और यहाँ पे भी इतना अच्छा मतलब वही सिलेबस काफी अच्छा था, वही प्रिसाइज कोर्स तो उससे काफी फायदा हुआ साइंस में भी। तो चलिए ठीक हुआ, अब हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, हम बात करते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की, जिस स्कीम में अभी आप रेकमेंड हुए हैं और जिस कोर्स के लिए। टीएस एंट्री में रिपोर्टिंग कितनी लोगों की थी, कहाँ पर सेंटर कहाँ था आपका? सर मेरा सेंटर था 19 एसएसबी प्रयागराज और 85 स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट करा था और 28 हमारे में स्क्रीन नहीं हुए। सर 28 स्क्रीन हुए थे, इन 28 कितने रेकमेंड हुए बेटा? सर 6 रिकमेंड, रिपीटर्स थे दिमाग में तो कुछ चलता रहता है, सामने कुछ और होता है बट दिमाग में कहीं ना कहीं सभी के चलता रहता है कि हमें यहाँ सेलेक्ट होने आए हैं, वो चाहे वो कोई प्रीवियस रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस आउट हो, चाहे स्ट्रीट आउट बच्चा हो, सबका जो एम होता है वो सेम होता है कि हमें सेलेक्ट होना है यहाँ पर। इसे डे वन नॉवल में कुछ लिख रहा था, सो यही था पिक्चर, नॉर्मल थी न्यूट्रल, तो मैंने स्टोरी उसको नॉवलिस्ट लिया था, आर्टिस्ट इज अ नॉवलिस्ट, लेकिन वो अपना पार्ट टाइम एक बिजनेस चला था यूटेंसिल्स बेचने के लिए, और फिर वो धीरे धीरे उसका स्ट्रगल मेरी थी स्ट्रगल थी उसकी, और लेटर फिर उसने कॉलेज खोला अपना और गरीब बच्चों की भी हेल्प करी, सोसाइटी की हेल्प करी एट लास्ट ये थी। सबको पता कैसे परफॉर्म करना था, तो थोड़ा फिश मार्केट हुआ, उन्होंने ग्रुप डिवाइड करा, उसके बाद भी थोड़ा बहुत फिश मार्केट हुआ बस, लेकिन जब क्योंकि अगर सब रिपीटर्स होंगे तो उनको पता होता है कि अगर हमने सब खराब करा फिश मार्केट करा तो हम फ्लैश आउट हो जाएंगे, तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक बंदे का स्टोरी अच्छा था उसको हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करा, उसका स्टोरी मतलब उसने नॉवल आर्टिस्ट को लिया था, उसने भी नॉवल किया था और उसने फ्रीडम फाइटर्स पे और लाइक मार्टियर्स की स्टोरी बनाई थी, उसकी स्टोरी थोड़ी सेंसिबल अच्छी लग रही, तो हम लोगों ने उसका सपोर्ट करा था, तो उसने अच्छी की मतलब कॉमन स्टोरी निकली। अच्छा कॉमन स्टोरी निकल गई थी after the divination of course generally ये होता है फिर market create हो जाती है जीडी के दौरान, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ शायद मेरा selection ना हो। अच्छा जहाँ तक जीडी की बात है, जीडी से पहले जो narration होता है वो बहुत important role play करता है, ठीक है, जब आप PPDT में appear हो रहे हो तो पूरा overall जो crux है वो narration होता है। Like sir, from my own personal opinion, I think that narration plays the maximum role around 70% because नरेशन अगर आपका फ्लुएंट है तो फिर आपका अगर ओएआर अच्छा नहीं हुआ है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट टू स्पीक फ्रॉम इन समवन फ्रॉम सम पीपल, यू आर लाइक पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यू आर योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज गुड, सो नरेशन आई थिंक इट्स प्लेज अराउंड 70% ऑफ रोल। ओएआर सर ओएआर इज प्रीटी इजी, आई थिंक कि अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है बंदा तो उसके लिए ओएआर इजी होगा, बस जस्ट ही हैज टू नो द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ही हैज जस्ट टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस केम देयर। जो क्वेश्चन मेरे यहाँ गलत होते थे मैं उन्हें जाकर वहाँ पे सही कर लेता था, वहाँ पे जाके मैं देख लेता मिलता था ओएआर करने के लिए, अगर नहीं सही है तो आप यहाँ पे सॉल्व करके दूसरों से मदद भी ले सकते थे सॉल्व करने के लिए, तो ओएआर से तो हम लोगों का काफी ज्यादा हमें फायदा हुआ क्योंकि मैंने घर पे नहीं करा, और उसकी वजह से मेरा जब ओएआर मैंने करा वहाँ पे तो मेरा यूजुअली इन टाइम हो जाता था, एक दो मिनट रह ही जा रहा था, अच्छा फास्ट हो रहा था। जब स्ट्रीम हो गए डे टू, यस सर,
कैसा था साइकोलॉजिकल टेस्ट? 2 आवर्स 15 मिनट का बैक टू बैक टेस्ट होता है, 10 साइकोलॉजिस्ट से रहे, मैं दूसरी बार गया था रिपीटर था तो इतना अच्छा लगा वैसे टेस्ट, मतलब सही था। और इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि लास्ट टाइम जो मैं एनडीए के एसएसबी के लिए गया था तो वहाँ पे पिक्चर थोड़ी एक्शनेबल, मतलब अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है या कुछ पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे 12 की 12 मतलब 11 पिक्चर्स ऑल आर न्यूट्रल पिक्चर्स, सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट, टू इमेजिन व्हाट द थीम यू आर गोइंग टू राइट ऑन द स्टोरी पेज, ऑन द पेज। सो लाइक ज्यादातर न्यूट्रल पिक्चर्स थी, तो न्यूट्रल पिक्चर में थोड़ा सा दिक्कत होती है बिकॉज यू हैव टू इमेजिन द थिंग, सो ज्यादातर न्यूट्रल पिक्चर थी, बट हो गया था बिकॉज आई हैव वी हैव प्रैक्टिस्ड वेल, वी नो हाउ टू राइट हाउ टू इमेजिन इन द कोचिंग, सर जनरल सर ने काफी अच्छे से बताया था। उसके बाद जो वैट आता है तो वैट में सर ने जो एक ब्लैंक स्टोरी है जो पहले से याद करके हुए वो लिखे थे, वर्ड देखा और लिख दिया तो वो याद करे वो साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेता है, फैब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए। यस सर, बेसिकली यस सर, हमारे साइकोलॉजिस्ट पहले आया था, मतलब साइकोलॉजिस्ट टेस्ट से पहले हमारा साइकोलॉजिस्ट आया था, उसने बोला था कि नेचुरल रहना बिकॉज यू कांट कॉपी समवन फॉर 2 or 3 hours, यू हैव टू बी नेचुरल, यू हैव टू बी योरसेल्फ, सो वैट मेरे हिसाब से तो नेचुरल रहना चाहिए और उसमें पॉजिटिवनेस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस लिखना चाहिए, बाकी आप अपना 100% दे सकते हैं बिकॉज मेरे 58 हुए थे, 2 कीवर्ड की मीनिंग मुझे नहीं आ रही थी। 58 इज अ गुड फिगर, ठीक है ना, इवन मोर देन 50 इज अ गुड फिगर। यस, और एसआरटी सर, एसआरटी तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर टैट एसआरटी, तो एसआरटी मैंने 52 करे थे और एसआरटी में ऐसा होता है कि आपको एसआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, सेल्फ कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, जहां से शुरू करा वो पूरी चीज खत्म होकर वापस नहीं काम जो आप करने वाले थे वो होना चाहिए बस नॉर्मल। एंड एसआरटी में सिर्फ लिखना नहीं होता, मतलब सिर्फ कंप्लीट नहीं करना होता है, सिर्फ इसमें क्वालिटी होना जरूरी होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एसडीटी सर, एसडीटी सर के लिए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, एंड एग्जाम में आपको प्रॉपर प्रिपेयर्ड हो गया, ही वाज ऑलरेडी गिवन अस द फीडबैक एज वेल ऑफ दिस, क्या इंप्रूव करना चाहिए थोड़ा, क्या नहीं सही लगा। जीटीओ सर, जीटीओ तो मेरा पहले बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की। यस सर, क्या टॉपिक सर? जीडी में हमारा पहला टॉपिक था कि द चेंजेस ऑफ बिहेवियर ऑफ द किड्स आर नाउ चेंजिंग, सो व्हाट इज द रीजन, न्यूक्लियर फैमिली, सोशल मीडिया या कंपटीशन। सो ये था हमारा पहला टॉपिक, हमारे में दोनों टॉपिक ही करंट अफेयर थे, मतलब जनरल नॉलेज का कोई टॉपिक नहीं था, तो हमने मैंने लीड ली थी कि जो वो सोशल मीडिया है बिकॉज राइट नाउ मोस्ट ऑफ द किड्स आर स्पेंडिंग वेरी मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से, तो वही हमारा जीडी हुआ था। और जीडी मेरा काफी अच्छा गया था क्योंकि मैंने दोनों जीडी में मुझे इनिशिएशन मिल गया था, तो इनिशिएट मैंने ही कर दिया था, तो उससे काफी अच्छा, और 4-5 बार मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया था, सो दैट वाज इनफ। सो जीडी मेरा पहला वाला अच्छा हुआ था। सेकंड जीडी का सर टॉपिक था कि एनवायरमेंटल रेजोल्यूशन में कौन ज्यादा हेल्प कर सकता है, पब्लिक हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है या बिजनेसमैन। सो मैंने लीड ली थी कि पब्लिक हेल्प कर सकती है बिकॉज इफ एन इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू डू थिंग्स देन इट विल बी इजी वन, सो मैंने उस पे ली थी, उसमें भी मुझे इनिशिएशन मिल गया था, तो मेरा काफी अच्छा रहा। ठीक है, ये सब रिसेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि जीडी के टॉपिक्स जो है ग्रेजुअली हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ करते हैं, इसलिए मैं हमेशा पूछता हूं कि क्या टॉपिक जीडी मिला था, लेक्चर रेट क्या था, लेक्चर में कौन सा टॉपिक थे, आपने क्या पिक किया सर? लेक्चर मुझे याद नहीं, मुझे चैट जीपीटी दिखा, मैंने चैट जीपीटी बोला सर, मुझे जैसे दिखा मैंने कहा ठीक है इसको बोलना है, बाकी एक था कि फेवरेट जॉब वर्सेस हाई सैलरी जॉब, ये दो टॉपिक मुझे याद है, बाकी याद नहीं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स सर, मैंने 11 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए, 11 के 3 वर्सेस कंप्लीट हो गए थे, और मेरा काफी टफ, मतलब ग्रुप में मेरा सबसे टफ था कमांड टास्क, बिकॉज मेरा पीजीटी काफी अच्छा हुआ था, तो कमांड टास्क में मैंने जब सबॉर्डिनेट्स बुलाए तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लाइक जीटीओ सर सेड कि यू कैन चूज एनी वे टू गो, मैंने एक वे चूज करा, मैंने आइडिया सारे बता दिए, तो उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें उसके बाद फिर उन्होंने हटा दिया, तो फिर लेकिन फिर उन्होंने दे दिया था थोड़ी देर बाद, उन्हें रियलाइज हुआ शायद जो मेरी रोक थी वो उसके पास थी, वो चला गया तो रोक भी चली गई, बाद में दे दिया था, फिर वो मेरा हो गया था, उन्होंने सारे करवा दिए, तीनों वेज से करवाया अलग अलग तरीके से, तो हो गया था मेरा कमांडर, बहुत अच्छा हुआ था।
अब बात करते हैं ग्रुप प्लान मिसाइल्स की, क्या था थीम क्या थी ग्रुप प्लान? सर जी पी थी कि हम लोग 10 थे अपने, मेरे ग्रुप में 10 बंदे थे, तो 10 लोग थे हम, जो हम आए हैं एक वाटर का मतलब अमाउंट लेने, एक पूल से वाटर का थोड़ा अमाउंट ले, चेक मतलब उसका चेकिंग होनी है कुछ उसका अमाउंट, या सो हम लोग आए हैं अपनी बस से वहां पे, जब हम लोग लेके निकल रहे हैं तो हमें एक आदमी आया जो अपनी साइकिल पे एक आदमी को लेके आ रहा है, वो जो कि इंजर्ड उससे खून बह रहा है, तो वो बताता है कि ये होटल का मैनेजर है और होटल में कुछ टेररिस्ट आ गए हैं जो जिन्होंने इसको अटैक कर दिया है, अब वो होटल पे भी गए और उन्होंने एक बम प्लांट कर दिया, यहाँ पे सीएम आने वाला है, तो स्टैम्पेड कराने के लिए बेसिकली, तो और वहाँ पे एक मंदिर है तो वहाँ पे सीएम आने वाले इनॉग्रेशन के लिए, तो वहाँ पे स्टैम्पेड होगा, एक ये था और एक था हमारा कि उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बॉम्ब लगा दिया डैम पे, वो थोड़ी देर अभी आधे घंटे में वो डैम भी जाने वाला है फटने वाला है, तो उधर से फ्लड आ जाएगा, फ्लड एक गांव में आ जाएगा और गांव में हम लोगों को डिलीवर करनी थी मेडिसिन, जब एक लड़का और आया उसने कहा कि मुझे मेडिसिन डिलीवर करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मिनट के अंदर जाना है, और उसी गांव में फ्लड भी आने वाला था, ये हमारा जीपी था। कैसे इसको सॉल्व किया सर? जीपी तो मतलब हमें लगा काफी जिस टाइप का हमको यहाँ प्रैक्टिस करा उससे ईजी था, लेकिन हमको काफी हाई लेवल की प्रैक्टिस कर दी, तो वहाँ पे मैंने पहले तो इंजर्ड वाले को सेव करा और एट द सेम टाइम मैंने उधर स्टैम्पेड वाला भी कवर कर लिया था, मैंने कुछ लोगों का ग्रुप बना के एक गाड़ी लेके भेजी मैंने डैम की तरफ, तो उधर मैंने ग्रुप डिवाइड कर दिया 3 लोगों का, 2 गए जो लोगों को इवैक्यूएट करेंगे पहले गांव से, क्योंकि हम लोग वो नहीं सेव कर सकते थे, somehow अगर हम ना सेव कर पाए डैम तो फ्लड आ जाएगा, तो हमने पहले लोगों को इवैक्यूएट करा और वहीं पे मेडिसिन देनी थी, तो मेडिसिन भी हमने वहीं दे दी और लोगों को इवैक्यूएट करा, एक बंदा गया जो डैम को बचाएगा, मतलब लोगों को बताएगा कि वहाँ पे बम लगा हुआ तो वहाँ से बचना है, तो वहाँ से बचाया, तो उसके आगे जो कुछ लिखा नहीं मैंने कि अब वो फ्लड आ गया, तो क्योंकि मेरा हो गया था इधर का जो भी होना था वो कवर हो गया, और जो वाटर का अमाउंट देना था वो मैंने इंजर्ड वाले के साथ भेज दिया, क्योंकि मुझे टाउन ले जाना था उसको सही कराना था, तो मैंने उसके साथ भेज दिया, मेरा उनका अल्टीमेट गोल तो कम्प्लीट हो गया था, बाद में उन्होंने पूरा कम्प्लीट करा के नॉर्मल अपना इंडिविजुअल एक मीटिंग पॉइंट मेरा बनाया वही उसी पूल पे, और वहां से बस लेके निकल गया। स्नेक रेस, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस से कहते हैं, मजा आई? यस सर, बहुत मजा आया, और हम लोग असल में मेरे ग्रुप में 2-3 जो थे थोड़ा सा ओवरवेट थे, उनके जैसे हम लोग का ग्रुप लास्ट था, लेकिन फिर भी वो साथ में कंप्लीट कराते हैं ताकि कोई डिसहार्टन ना हो, और आई थिंक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उसमें नोट करते रहते हैं कि कौन ज्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन कोऑपरेट कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, मतलब कोई अकेला तो नहीं भाग रहा, तो उसमें और वो भी देखते हैं कि कौन रूल तोड़ रहा है, कि मतलब अगर कोई हर्डल हो गई है तो कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा, या रूल तोड़ रहा है तो उसको रियलाइज कर रहा है कि नहीं, तो ये सब चीजें रहती हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम हो गया था हम बहुत अच्छे से, बस बाकी लास्ट थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना थे। दूसरी चीज नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप की इंटरव्यू कैसा था, इंटरव्यू कितने देर चला था? सर इंटरव्यू मेरा 45 मिनट्स चला होगा, 45 मिनट्स ठीक ठाक कर रहे थे सर, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ था, कन्वर्सेशन और इंटरव्यू इस बार काफी अच्छा हुआ था, लास्ट टाइम मेरा एनडीए जब किया था मैं तो इंटरव्यू मेरा ठीक नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कुछ गलतियां मैंने करी, कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने जो नहीं बोलना चाहिए था, तो इस टाइम मैंने वो नहीं बोला, क्योंकि इंटरव्यू ही मेरा खराब हुआ था, इसके वजह से मेरे कमेंट नहीं हुआ, तो मैंने इस टाइम वो गलतियां रियलाइज करी और वो चीजें नहीं करी दोबारा, तो इंटरव्यू मेरा इस बार काफी फ्लुएंट था, काफी इनफॉर्मली टॉक थी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे मैंने आंसर करा, बस एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे कि लाइक मैंने 9th क्लास में वैक्यूम क्लीनर बनाया था एक प्रोटोटाइप, उन्होंने बोला कि अगर इसको अभी इम्प्रूव मतलब एडवांस करना है तो कैसे करोगे, तो मैंने उसके आइडिया दिए जो भी चीजें करनी थी, और उन्होंने पूछा कि रायट उस टाइम पे मेरे बाद में रायट चल रहे थे, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि रायट्स होते हैं, तो मैंने वो बताया, एट दिस पॉइंट जब मैंने वो चीज बताई तो मतलब काफी जब करंट अफेयर भी, उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने बस ऐसे ही इनडायरेक्टली करंट अफेयर पूछा, जब मैंने बताया तो लगा था कि हाँ इंप्रेशन थोड़ा पड़ा, जब जैसे मैंने वो चीजें बताई आंसर करी तो मुझे लगा कि हाँ इंप्रेशन अब पड़ा है। अच्छा हॉबीज इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन आए? हॉबीज इंटरेस्ट से सर आया था, मैंने लिखा था डायरी राइटिंग, हॉबीज में तुमने पूछा कि क्यों ऐसा है और कैसे मोटिवेशन था डायरी राइटिंग का और क्या फायदा हुआ, मैंने बताया कि सर लाइक मेरा काफी इंप्रूवमेंट हुआ, डिलेइंग ऑफ वर्क होता था मेरा तो उसके इंप्रूवमेंट हुआ, रोज पढ़ना अपने बारे में तो काफी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, तो मैंने ऐसा बताया, और बाकी ऐसा कुछ हॉबीज के बारे में। कॉन्फ्रेंस कितनी देर चली थी आपकी? सर कॉन्फ्रेंस मेरी 1-1.5 मिनट मैक्सिमम, 1-1.5 मिनट, जब भी कॉन्फ्रेंस किसी की 1-1.5 मिनट चले तो एक चीज तो क्लियर होती है, या तो आप जो है आ रहे हैं या तो पा रहे हैं, या तो पूरी तरीके से आप रिकमेंडेड हैं साइक जी जो इंटरव्यू ऑफिसर के द्वारा, या आप रिकमेंडेड नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब आप तीनों से पास होते हैं, तीनों से पास होते हैं, तीनों क्लियर करता है तो वो आगे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब आप तीनों तरीके से क्लियर होते हैं। पूरे एसएसबी का क्रक्स क्या है, एक मैसेज जो बच्चों को देना चाहते हैं एसएसबी को लेकर जो हवा भरा पड़ा हुआ है, वो उसके लिए कुछ बच्चों को, मैं ये ना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा नॉर्मल है नेचुरल रह रहा है
उसके लिए एसएसबी काफी इजी रहेगा। मेरे बैच में था एक लड़का जो काफी नेचुरल था, वो लग रहा था कि हाँ वो अभी आईडिया डेवलप कर रहा है, मतलब वो दिखा रहा था कि मैंने अभी आईडिया डेवलप कर रहा है, अभी आईडिया लगाया जीटीओ में, लाइक हम लोग जीटीओ में ही साथ होते हैं तो इंटरेक्ट करते, तो उसी में लगा था कि हाँ नेचुरल, तो मुझे लगता है कि नेचुरल बंदे। और एक लड़का था जो काफी अच्छा था, एडवांस था, मतलब काफी अच्छा था, मुझे लग रहा था उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट उसका नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने पकड़ लिया था कि या तो पोस्ट है या तो ऐसा, बस पोस्ट नहीं दिखना चाहिए आपका, आप पोस्ट हो, जाहिर सी बात है आजकल ज्यादातर जो गाइडेंस लेके आते हैं, बट आप पोस्ट नहीं दिखना चाहिए, आपको अपने नेचुरल वे दिखाना है कि वह क्या हुआ और अपने नेचुरल थॉट्स दिखाने हैं। एसएसबी तो बी नेचुरल, एसएसबी पूरा का पूरा पर्सनालिटी का खेल है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, दूसरा ये कि आपके ना ऑफिसर की क्वालिटीज होनी चाहिए, दो चीजों पे आप काम करिए, नेचुरल नहीं है और डेफिनेटली आप रेकमेंड हो जाएंगे। एसएसबी खत्म हो गई, अभी हम बात करते हैं जो हम एक क्लेम करते हैं अपने पाथफाइंडर के चैनल के माध्यम से और सब जगह से क्लेम करते हैं कि आपने जो एसएसबी की रिटन तो आपने यहां से पढ़ा, एसएसबी की भी तैयारी आपने प्रॉपर तरीके से हमारे यहां से करी, पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में आप अप्लाई करके तैयारी करी दोनों अटेम्प्ट्स के लिए अपने, क्या किसी भी अटेम्प्ट के दौरान ऐसा हुआ कि आपके एसएसबी क्लासेस की सिविलियन ने ली, किसी भी एक्सपोर्ट ऑफिसर्स ने ली और काफी इंप्रूवमेंट था और भी ज्यादा मुझे कोचिंग में हेल्प मिली, मतलब इतने ज्यादा टाइम तक गाइडेंस कहीं नहीं मिलती, यहाँ मिली मुझे इतने टाइम तक गाइडेंस फ्रॉम माय रिजल्ट ऑफ एनडीए टू माय एसएसएल माय एसएसबी आई गॉट द गाइडेंस एंड इन द स्टार्टिंग व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव अ प्रॉब्लम, माय लेग स्टार्टेड शिवरिंग, बट आफ्टर दैट व्हाट जनरल सर टोल्ड द डिफरेंट मेथड्स वेज टू इंप्रूव इट आई इंप्रूव्ड एंड राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे यहाँ पर जो एस एस बी की क्लासेस है जो हम हमेशा कहते हैं कि ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्सपोर्ट, जो सिलेक्शन सेंटर में रहे होंगे वही क्लास लेंगे डे 1 से डे 22, यानी जो लास्ट क्लास होगी जो फर्स्ट क्लास होगी, इस पूरी क्लास का जो पूरा टेन्योर होता है वो सारी हरी क्लासेस ऑफिसर के द्वारा दी जाती है, सिलेक्शन सेंटर में रहे होते हैं। एक्चुअली में जो आपके अंदर जो चीजें जो ढूंढ रहे होते हैं वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं ढूंढ सकता, ठीक है, जो सिलेक्शन सेंटर में ना रहा हो वो आपके अंदर नहीं ढूंढ सकता है, वो ढूंढने का मतलब आपके अंदर कमियों को नहीं बता सकता है। तो इस चीज को लेकर के हम जो है हमेशा जो है एश्योर करते हैं कि बच्चों की जो क्लासेस हो वो सेना के अधिकारी के द्वारा हो, ठीक है ना। और जब से मैं आपको एक लाइन में कहूंगा कि जो आपकी पूरी सफलता है ये पूरी तरीके से जो आपका जो डेडिकेशन था, जो डिटर्मिनेशन था, जो डिवोशन था, जो कंटिन्यूटी थी लगातार आपने रिजल्ट्स वो मेंटेन रखी आपने, ठीक है। और एसएसपी में सिलेक्ट ही ऐसा बच्चा होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखने की क्षमता होती है, ठीक है। तो आपने, ठीक है ना, मैं तो ये कहूंगा कि आपने, आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपके माँ बाप सिलेक्ट हुए, आपके आने वाले एक जनरेशन सिलेक्ट हुए, आप भी सिलेक्ट हुए, क्योंकि जब भी कोई एक बच्चा ऑफिसर बनता है तो पीछे की और आगे की कम से कम तीन जनरेशन तो श्योर शॉर्ट उसमें जो है इंश्योर हो जाती है, तो बहुत अच्छा है। और सेना में अफसर बनना, ठीक है, आप कुछ भी अदर कर सकते हैं लेकिन इससे बेहतर कुछ और नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है बेटा, ओके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल रिकमेंडेशन एंड वी विल वेट फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, और जल्दी से मेरिट लिस्ट पे नाम आपका आएगा, फिर हम यहाँ पर बैठेंगे आपके साथ और फिर हम जो है आगे बात करेंगे। ओके, जय हिंद।